नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर बना जीआरपी थाना प्रशासन और रेलवे प्रशासन की अनदेखी को दर्शा रहा है। ब्रिटिश काल के समय से बना ये थाना, जब से बना है तब से इसकी मरम्मत नहीं की गई है और खंडर नुमा थाने में हर समय खतरा बना रहता है। बरसात ऋतु में तो यहाँ खतरा दोगुना हो जाता है। मानसून की पहली बरसात है, आज प्रशासन और रेलवे व्यवस्था की पोल खोल दी है। जीआरपी थाना परिसर के चारों ओर अंदर बैरिकेड, कमरों, थाना परिसर, थानाधिकारी रूम, सभी जगह पानी का भराव हो गया। छतों से पानी टपकने लगा तो वहीं कमजोर छत और दीवारें हर समय बड़े हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। रेलवे प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है। मारवाड़ जंक्शन में स्थित ब्रिटिश काल के समय से बना ये जीआरपी थाना प्रशासन की अनदेखी को दर्शाता है। आज बरसात से समूचे जीआरपी थाने के रेलवे रूम और थाना परिसर में पानी भर गया। जानकारी के अनुसार कई बार यहां कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन दिया, साथ ही अपने विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया, परंतु मात्र आश्वासन मिलते हैं। बरसों से एक बार भी इस थाने की मरम्मत नहीं हो पाई है। आज भी यहां हर समय खतरा और मौत मंडराती है। मानसून की पहली बरसात में जीआरपी थाने में पानी का भराव कर गई ये हालत बीते कई वर्षों से बने हुए हैं, परंतु प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। तेज बरसात और पानी के भराव हो जाने से यहाँ पर रिकॉर्ड फाइलों को भी बड़ी मुश्किलों से सुरक्षित संभाल कर रखना पड़ता है, तो वहीं खाना बनाने में भी इन जीआरपी कर्मचारियों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हेड कांस्टेबल नंबर 140 जीआरपी थाना मारवाड़ जंक्शन से थाना परिसर के पीछे की साइड में चार क्वार्टर्स हैं जो क्षतिपूर्ण, जिन्हों में एक हेड कांस्टेबल, तीन कांस्टेबल रहते हैं और बरसातों के टाइम में इसमें पानी बरसता है और रहने लायक नहीं है। ये कितने समय पुराना बताया जा रहे हैं? और ये करीब अंग्रेजों के टाइम के पुराने मकान हैं और इनकी दीवारें भी झज्जर होती हुई हैं और उच्च अधिकारियों के लिए कई बार इनका अनुरोध कर चुके हैं और अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं। 25/7/2020 आई मारवाड़ की बरसात में एक थानाधिकारी का कार्यालय, एचएम कार्यालय एवं मालखाना कंप्यूटर रूम में पानी एक फीट करीब भर गया। जिस पानी की कोई निकासी नहीं होने से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है और पानी भरा हुआ है।